गुड आफ्टरनून क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी जोशी फ्रॉम गुरुकुल अकेडमी बम्बोरा. टुडे वी आर गोइंग टू रीड इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 6. दिस इज योर इंग्लिश रीडर बुक एंड चैप्टर नंबर 6 इज द ग्रास हॉपर एंड द आंट. ग्रास हॉपर का क्या मतलब होता है बच्चों? ग्रास हॉपर होता है टिड्डा एंड द आंट मीन्स चींटी. तो ये जो स्टोरी है वो ग्रास हॉपर की और आंट की है. Once there were an ant and a grasshopper. एक बार की बात है, एक समय की बात है, क्या कौन कौन थे? एक चींटी थी और एक टिड्डा था. They lived in a forest. वे जंगल में रहते थे. The ant was very hard working, but the grasshopper was a lazy fellow. जो ant थी, चींटी थी, वो बहुत ही मेहनती थी, कड़ी मेहनत करने वाली थी. लेकिन जो grasshopper था वो क्या था? Lazy था, आलसी था. When the summer came, जब गर्मी आई, the grasshopper did not collect his food. Grasshopper ने अपना खाना इकट्ठा नहीं किया. He enjoyed himself. वो अपने आप में ही मज़े करता रहता था. He ate of his heart's content and roamed about singing merrily. तो वो क्या करता था? जो उसका दिल चाहता था, उसका मन कहता था, वो खाता था और घूमता हुआ रहता था, खुशी से गाना गाता रहता था. मेरिली का मतलब होता है खुशी से, है ना, अ चीयरफुल वे में. रोम्ड मतलब इधर उधर घूमता रहता था. तो वन डे ही सॉ द आंट. एक दिन उसने एक चींटी को देखा. शी वॉज वर्किंग हार्ड. वो कड़ी मेहनत कर रही थी. शी वॉज कलेक्टिंग एंड कैरिंग फूड. तो वो खाना इकट्ठा कर रही थी और खाने को ले जा रही थी. द ग्रास ऑपर डिड नॉट Like all this, grasshopper को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. He asked the ant, उसने चींटी से पूछा, Why are you working so hard when the weather is good? तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रही हो जब मौसम अच्छा है? तो Make merry as I do, sing sweetly as I do. मेरे जैसा मैं करता हूँ वैसा करो, अच्छा मीठा गाओ जैसे कि मैं गाता हूँ, है ना. द आंट सेड, चींटी कहती है, ऑल द आंट्स आर कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर. सभी जो चींटियाँ हैं वो विंटर यानी सर्दियों के लिए खाना कलेक्ट कर रही, इकट्ठा कर रही है. यू शुड ऑल्सो कलेक्ट योर फूड फॉर द विंटर. तुम्हें भी सर्दियों के लिए अपना खाना इकट्ठा करना चाहिए. द ग्रास ऑफर लाफ्ड एट द आंट. जो ग्रास ऑफर था वो चींटी के ऊपर हंसा. ही सेड, उसने बोला, वॉट अ पिटी. पिटी का मतलब होता है जैसे हम किसी के ऊपर सिंपैथी दिखाते हैं ना, अरे बेचारा, है ना, इस तरीके से. तो वो बोलता है सिंपैथी दिखाते हुए, व्हाट अ पिटी, अरे बेचारी चींटी, है ना, इस तरीके से. व्हेन इट इज़ टाइम टू एंजॉय यू आर वर्किंग हार्ड. जब मज़े करने का टाइम है तो तुम कड़ी मेहनत कर रही हो. कीप योर एडवाइस विथ यू, अपनी जो सलाह है वो अपने पास रखो. क्या सलाह थी? चींटी उसको कहती है ना, भाई सर्दियाँ आ रही है तो तुम भी अपना खाना इकट्ठा कर लो. तो वो उसको बोलता है, क्या बोलता है, कीप योर एडवाइस विथ यू, अपनी सलाह अपने पास रखो. आई डोंट नीड योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं. एडवाइस का मतलब होता है किसी को राय देना, सलाह देना. सेइंग दिस ही फ्लू ऑफ टू कैरी ऑन हिज एंजॉयमेंट. इतना कहकर वो उड़ गया अपने मज़े करने के लिए. समर ग्रेजुअली पास बाय द विंटर केम. जो गर्मियाँ थी वो धीरे धीरे बीत गई. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बीत गई और सर्दियाँ आ गई. द आंट हैड हर रिजर्व फूड. चींटियों के पास अपना इकट्ठा किया हुआ खाना था. शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी. बट द ग्रास ऑपर हैड नो फूड, ही वॉज सैड. लेकिन जो ग्रास ऑपर था उसके पास तो खाना था ही नहीं, अब वो दुखी था. वेन द ग्रास ऑपर गॉट नथिंग टू ईट, जब ग्रास ऑपर को कुछ भी खाने को नहीं मिला, ही वेंट टू द आंट्स हाउस. वो चींटी के घर गया. ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं. ही सैड, उसने बोला, डियर फ्रेंड्स आई एम हंग्री. मेरी प्यारी दोस्त, मैं भूखा हूँ. प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, है ना. द आंट आस्क, तो चींटी ने उससे पूछा, What did you do in summer? तुमने गर्मियों में क्या किया? Why did you not store your food? तुमने अपने खाने को क्यों नहीं इकट्ठा किया? The grasshopper answered. ग्रास ऑपर ने जवाब दिया, I passed my summer singing merrily. तो
तो मैंने अपनी जो गर्मियाँ थी वो मीठा मीठा गाने में खुशी से बिता दी। द आंट सेड वेरी वेल, आंट चीटी ने बोला बहुत अच्छा। नाउ गो एंड डांस इन द विंटर, जाओ और सर्दियों में अब नाचो। I am not giving to give you any food, मैं तुम्हें कुछ भी खाना देने वाली नहीं हूँ। सो द ग्रास ऑपर कुड नॉट गेट एनी फूड, इसलिए ग्रास ऑपर को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। ही हैड टू सफर फॉर हिज लेजीनेस, उसको अपने आलसीपन की वजह से झेलना पड़ा, नुकसान झेलना पड़ा। सफ़र का मतलब होता है पीड़ा हुई उसे, है ना, उसको दर्द सहना पड़ा, उसको भूखा ही रहना पड़ा उसके आलसीपन की वजह से। इसलिए बच्चों हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, जो राइट टाइम होता है राइट टाइम पर राइट वर्क हो जाना चाहिए। जैसे कि जब पढ़ने का समय हो तो हमें पढ़ना चाहिए, और जब मज़े करने का समय हो तो केवल मज़े करने चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं उससे पहले हमें बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि हमें एग्ज़ाम में कभी इधर उधर नहीं देखना पड़े, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़े। ओके, नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट, नाउ डू द एक्सरसाइज। इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड एन आंट एंड अ, जंगल में कौन कौन रहता था, चीटी और ग्रास हॉपर। आंसर इज़ ग्रास हॉपर। मेरे साथ साथ टिक करने आपको, द आंट वॉज वेरी, आंट कैसी थी, हार्ड वर्किंग थी, चीटी तो कड़ी मेहनत करती थी। द ग्रास ऑपर डिड नॉट लाइक टू, ग्रास ऑपर को क्या करना पसंद नहीं था, वर्क सिंग और स्लिप, वर्क करना पसंद नहीं था, काम करना पसंद नहीं था। ड्यूरिंग विंटर द ग्रास ऑपर वॉज, सर्दियों में ग्रास ऑपर हंग्री, सिंगिंग और डांसिंग। सर्दियाँ आई तब क्या हुआ, ग्रास ऑपर भूखा रह गया ना, तो हंग्री, आंसर इज हंग्री। ओके, नाउ वन वर्ड, क्वेश्चन नंबर वन, आंसर इन वन वर्ड। वेयर डिड द आंट एंड द ग्रास हॉपर लिव, चीटी और ग्रास हॉपर कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। डिड द ग्रास हॉपर कलेक्ट फूड फॉर द विंटर, क्या ग्रास हॉपर ने सर्दियों के लिए अपना खाना कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, नो, आंसर इज नो, एन ओ नो। नाउ थर्ड, हु वॉज वर्किंग हार्ड, कौन कड़ी मेहनत करता था, आंट चीटी करती थी ना, aunt। हु हैड टू सफर फॉर हिज लेजीनेस, अपनी आलसीपन की वजह से किसको नुकसान हुआ, किसको पीड़ा झेलनी पड़ी, ग्रास ऑपर को, GRASSHOPPER, ग्रास ऑपर। ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, द आंट वॉज वेरी डैश बट द ग्रास ऑपर वॉज डैश फेलो। द आंट वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, HARDWORKING, बट द ग्रास ऑपर वॉज अ लेजी, LAZY, लेजी फेलो। सेकेंड, द डैश वॉज कलेक्टिंग एंड कैरिंग फूड, कौन खाने को कलेक्ट कर रहा था और कैरिंग कर रहा था, ले जा रहा था, आंट, aunt मतलब चीटी। द ग्रास ऑपर हैड नो डैश, ग्रास ऑपर के पास क्या नहीं था, फूड। द ग्रास ऑपर पास्ड हिज समर सिंगिंग मेरिली, गाना गाने में उसने अपनी जो गर्मियाँ थी वो बिता दी थी। स्टेट ट्रू ऑफ फॉल्स, द ग्रास ऑपर एंड द आंट लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट, जंगल के पास में रहते थे क्या, नो, जंगल में ही रहते थे ना, फॉरेस्ट में ही रहते थे। सो द ग्रास ऑपर एंड द आंट लिव्ड नियर द फॉरेस्ट, सो दिस इज फॉल्स, राइट योर फॉल्स। द आंट वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ट्रू। द ग्रास ऑपर वॉज स्लीपिंग ऑल समर, सो रहा था क्या, नहीं, सो थोड़ी रहा था, वो क्या कर रहा था, गाते हुए मज़े कर रहा था ना, सो फॉल्स। द ग्रास ऑपर कुड नॉट गेट एनी फूड इन द विंटर, राइट, कोई खाना नहीं मिला उसको विंटर में, तो ट्रू, है ना। नाउ मेक सेंटेंसेस, आई विल सेंड यू, एंड क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड मेक सेंटेंसेस आई विल सेंड यू, एंड देन यू विल कॉपी फ्रॉम pictures. Okay, thank you and have a nice day.